सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपने दिल्ली गेस्ट टीचर भर्ती 2020-21 में एज ए टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का फॉर्म भरा था तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि दिल्ली शिक्षा विभाग ने एक अलग से आपके लिए ऑर्डर जारी किया है जिसमें कि एक मौका और दिया है आपको स्कूल ज्वाइन करने का। पहली लिस्ट दी है डिपार्टमेंट ने जिसमें कि स्कूल अलॉटमेंट है, साथ में दूसरी लिस्ट भी जारी की है जिसमें कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मौका दोबारा मिल सकता है। तो पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल में, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से और अपने दोस्तों को भी आपने इसे जरूर शेयर करना है। और ये है ऑर्डर, इसमें तीन लिस्ट दे रखी है, पहली लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है और तीसरी लिस्ट है। तो पहली लिस्ट है यहाँ पर पेंडिंग वाली, दूसरी है वेटिंग लिस्ट वाली और तीसरी है नॉट एलिजिबल वाली। तो सबसे पहले अगर हम पेंडिंग लिस्ट वाली देख लेते हैं, यहाँ पर टीचर्स को मौका आपको और मिलेगा। तो चलिए पेंडिंग लिस्ट की बात करते हैं पहले। ये देखिए, ये पेंडिंग लिस्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम आईडी सारी डिटेल है और यहाँ पर लिखा रिमार्क पेंडिंग डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग है, यानी कि जब आपने लाजपत नगर में फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था उस दौरान आपके पास डॉक्यूमेंट ये वाले नहीं थे। अब आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, आपने निकाल लिए हैं, तो आप अपना फिर से, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको कि आपने फिर से लाजपत नगर जाना है, लाजपत नगर फोर्थ में, और अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो भी आपके उस दिन नहीं थे, और विद इन 5 वर्किंग डेज में आप इन्हें सबमिट कर दीजिए तो आपका नाम नेक्स्ट लिस्ट में होगा, पक्का होगा, तो आपको मौका जरूर मिल जाएगा। दूसरा है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट में भी देख लेते हैं कि क्या मामला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैरिड वाइज है, और जितनी की डाउन मैरिड गई है उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडिडेट है वो इनका नंबर आएगा। कैटेगरी वाइज है, यहाँ पर जनरल कैटेगरीज के नीचे आप जाएंगे तो सारी कैटेगरी वाइज एससी वगैरह की सभी की मिलेगी। तो यानी कि अगला नंबर आपका है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं स्कूल अलॉटमेंट वाले, अगर उनको सभी ज्वाइन नहीं कर पाते तो अगला नंबर आपका ही आएगा। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप अपना नाम देख सकते हैं मेरिट में। तीसरा, तो ये देखिए तीसरी लिस्ट है और यहाँ पर लिखा हुआ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट हु आर फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर रिमार्क दे रखा है, कोई ओवर एज हो गए हैं, किसी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया, कई लोग तो नॉट सीटेड है, यानी कि सीटेड क्वालिफाई ही नहीं है, बहुत सारे किसी ने अपना स्पेशल एजुकेशन का कोर्स ही नहीं किया था, तो ये नॉट एलिजिबल हैं। और मैं अगर आपको बता दूं कि ये दो लिस्ट हैं पहले वाले, यानी कि जो पहली लिस्ट है और सेकेंड लिस्ट है, ये दोनों में इनके चांसेज हैं स्कूल मिलने का, लेकिन जो थर्ड लिस्ट है यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि एलिजिबल ही नहीं है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों ये लिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। नई वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।